हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, कैसे हो सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से और खैरियत से होंगे। आज हम मेराज यानी किचन में बना रहे हैं आम रस और दो पड़ी रोटी। सो हमने ये आम रस निकाल के रख दिया है, रस हमारा रेडी है और अब हम दो पड़ी रोटी बनाने के लिए घी हमने लेके गरम कर लिया है। इसके अंदर आटा डाल रहे हैं हम, आटे को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अभी हमने रोटी बेल ली है, उसके ऊपर ये जो घी हमने आटे में मिक्स करके रखा हुआ है उसको उस पर फैला देंगे, अच्छे से लगा देते हैं, चारों तरफ फैला देंगे इसको, अच्छे से लगा देंगे घी को। ऊपर से हमने ये दूसरी रोटी लगा दी है। उस पर भी ऐसे लगाए हमने, ये सारे 8 से 10 रोटी हमने तैयार की है। इसको और बेल लेंगे, और पतली और बड़ी कर सकते हैं, लेकिन तवा भी छोटा है और चकला भी छोटा है, इसलिए जितनी चाहो उतनी बड़ी बना सकते हैं हम। दोनों तरफ बेल लेंगे ताकि छोटी बड़ी न रहे। रोटी हमारी बेल के तैयार है, अब तवे पे डाल दिए हमने, इसको अच्छे से पकने देते हैं। पलटा ली एक तरफ की रोटी हमने, अभी एक रोटी पक गई है उसको हम निकाल लेंगे। दो पड़ी रोटी रस के साथ अच्छी रहती है। ये और पलटा दी, उसको भी निकाल लिया। इसे एक एक करके सारी रोटियों को हम पलटते जाएंगे और हटाते रहेंगे एक एक करके रोटी को। शायद से 8 रोटी है ये, 20 भी बना सकते हैं, चाहे जितनी बना सकते हो आप संभाल सको इतनी। तवा बड़ा और अगर चूल्हे पे बने तो बहुत ही अच्छी बनती है ये, उल्टे तवे में भी बनती है रोटी, बहुत अच्छी सॉफ्ट और बढ़िया वाली रोटी बनती है ये। बरसों पहले मैं उल्टा तवा रख के बनाती थी, बहुत बड़ी बड़ी रोटी बनाती थी, 20-20, 25-25 रोटी एक साथ से बनाती थी। अब ये गैस का माहौल है इसलिए छोटे छोटे तवे रहते हैं, छोटे चकले रहते हैं। सारी रोटी एक चक्कर में हम बना सकते हैं पूरी। बाकी की रोटियां जो पक रही हैं उनको हम निकालते जा रहे हैं। अच्छी, बहुत सॉफ्ट और बहुत अच्छी रोटी बनती है ये। सारी रोटी निकल गई हमारी, अब ये रस रोटी तैयार है। बनाइए, खाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।